हेलो एवरी वन वेलकम टू रोड टू कैट नाइनटी नाइन सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस हाउ टू फाइल आर टी आई फॉर द आई एम्स या फॉर अदर पब्लिक इंस्टीट्यूट्स तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि आ, उन उन्होंने अपने मार्क्स पूछने हैं आर टी आई में तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि यू कैन आस्क द मास मार्क्स एंड वो आपको पी आई में जितने मार्क्स दिए ए डब्ल्यू टी में जितने नॉर्मलाइज मार्क्स दिए हैं सबका ब्रेकअप सब प्रोसेस बताएंगे वट एवर यू आस्क दे विल टेल यू है ना तो देखते हैं पहले ये देखते हैं कैसे फाइल करनी है और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है वी विल गो थ्रू दैट ऑल्सो तो जैसे आप क्रोम ओपन किया और आपने यहाँ पे आर लिख दिया जस्ट आर टी लिखना नथिंग एल्स ठीक है जस्ट गिव मी ए सेकेंड हाँ तो आर अगर आप लिख दोगे ठीक है तो ये खुल गया अब आर टी आई ऑनलाइन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है आपको ठीक है यहाँ पे आई हैव रेड ये सब रेड करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना और अब देखो यहाँ पे ये सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना जस्ट आपको सर्च में जाके जो भी आपका आई एम एम बेसिकली है ना उसको आपको सिलेक्ट करना है जैसे मान लो मैं बेंगलोर के लिए फाइल कर रहा हूँ आई एम तो यहाँ पर मैं बेंगलोर लिखूँगा आप आई एम भी मत लिखो सीधा सिटी का नाम लिखो बेंगलोर लिखा तो ईजिली फाइंड हो जाएगा ये रहा आई एम बैंगलोर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके तो ये सारे डिटेल्स जो ये वाली डिटेल्स है वो अपने आप फिल हो जाएंगी उसके बाद आपको ई मेल फिल करनी है मोबाइल नंबर कन्फर्म ई मेल आई पे करना है नेम जेंडर एंड एड्रेस ठीक है ये सब कुछ आप कुछ भी डाल दो मेन आपका मतलब ये सब जरूरी नहीं है ईमेल आईडी पे आपको इसका आर का नंबर आएगा तो ईमेल आईडी सही डालना ठीक है और बाकी ये वाली डिटेल्स आपको फिल करनी है कर सकते हो बाकी नहीं करनी है तो नहीं करो अब पोवर्टी लाइन के अगर आप बिलो हो तो आपका बी कार्ड नंबर लगेगा और आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा इफ़ यू आर नोट बिलो पुअर्टी लाइन देन यू हैव टू पे ओनली टेन रुपीज़ फॉर वाट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर आस्किंग ठीक है अब टेक्स्ट में क्या लिखना है आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना जस्ट लिखना है डियर सर मैम आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी द ब्रेकअप ऑफ माई पी आई स्कोर एंड द ए डब्ल्यू टी ऑर वैट स्कोर ठीक है And also give me the minimum कट ऑफ दैट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल सिलेक्शन तो ये सब आपको लिख देना है ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कितने marks मिले हैं और आपको pass होने के लिए कितने marks चाहिए थे वो सब आपको पता लग जाएगा अब इसका इस पर सारा कुछ लिख के आपको सबमिट कर देना और आगे टेन रुपीज़ की पेमेंट है वो आप यू पी आई और वगैरह से पे कर सकते हैं तो अब नेक्स्ट डाउट है कि कितना टाइम में रिप्लाई आता है तो रिप्लाई जनरली 20 टू 25 डेज़ लग जाते हैं बट रिप्लाई आपको फोर श्योर आएगा और रिप्लाई में सारी चीज़ें साफ साफ़ होंगी मतलब अभी कई बच्चों को होगा कि यार मेरे पी में मार्क्स कम है ज़्यादा है तो वो सब कुछ आ जाएगा डोंट आस्क इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स ठीक है किसी बच्चे का नाम लेके पीआई का उसका स्कोर पूछना है तो वैसा नहीं आएगा क्योंकि दे कांट डिस्लोज द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हाँ अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ जाननी है कोई भी कैटेगरी से कुछ भी तो आप जो भी लिखेंगे सबकी दे विल प्रोवाइड तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि देखो जब आप सबमिट करके पेमेंट कर दोगे तो आफ्टर दैट यू विल गेट अ मेल और मेल पे आपको एक आर नंबर आएगा उसके बाद आपको थोड़े दिन बाद ठीक है या तो एक मेल आ जाएगा कि योर आर रिक्वेस्ट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ मतलब वो डिस्पोज हो गई है वो क्लियर हो गई है उसका रिप्लाई आ चुका है नहीं तो आप क्या कर सकते हैं व्यू स्टेटस पे क्लिक करना व्यू स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मेल में आएगा यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल देना ठीक है और यहाँ पे फिल कर देना आपका जो कैप्चा है तो उसके बाद आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो आपको आर का स्टेटस दिखा देगा अगर उस आर में आपको स्टेटस में लिखा होगा कि रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड मतलब रिक्वेस्ट अब उनके पास है उनका मन है जब रिप्लाई करेंगे तब करेंगे और अगर वहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड हुई पड़ी होगी या वहाँ पे कुछ रिप्लाई हुआ होगा दैट मींस uh, वो आपका रिप्लाई है जनरली पीडीएफ अपलोड हुई होगी और पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ में पूरा टाइप्ड रिस्पॉन्स रहेगा ठीक है तो यही सारा प्रोसेस है काफ़ी सिंपल प्रोसेस है बट यू हैव टू बी पेशेंट और व्यू स्टेटस पे जाके आप क्लिक करते रहना बट एक्सपेक्ट कि आप 15-20 दिन में रिप्लाई आएगा मैक्स टू मैक्स महीना लगेगा उससे ज़्यादा नहीं लगता और आई में होता है कि एफिशिएंसी अच्छी है तो बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाता है मतलब 15-20 डेज़ में आ जाता है तो थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर एंड देन ओनली थैंक यू